व्हाट इज पैरिटी? देखिए, ये जो पैरिटी है ये हैमिंग कोड से रिलेटेड होती है। हैमिंग कोड करने से पहले हम पैरिटी देखेंगे। पैरिटी एक्चुअली में होती क्या है? पैरिटी एक बिट होती है जिसको जीरो या वन से डिनोट किया जाता है। इस बिट का काम क्या होता है? अगर कोई भी ट्रांसमीटर डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है, उस जो ट्रांसमीटर हमने ट्रांसमीटर जो डाटा ट्रांसमिट किया है उसमें कोई एरर या कोई नॉइस तो नहीं है, ये चेक करती है पैरिटी बिट। यानी जो भी हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है उसके साथ एक पैरिटी बिट को सेंड किया जाता है। यानी कि जो भी हमारा सिग्नल होगा उसके साथ एक एक्स्ट्रा बिट सेंड की जाती है, और वो जो एक्स्ट्रा बिट होती है उसको पैरिटी बिट बोलते हैं, जो कि एरर को डिटेक्ट करती है। अगर कोई हमारे सिग्नल में नॉइस आ जाता है उसको डिटेक्ट करती है कि हमारा जो सिग्नल रिसीवर पर रिसीव हुआ है वो ओरिजिनल है भी या नहीं। ये लेकिन इसमें क्या है, इसकी ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ एक ही बिट को डिटेक्ट कर सकती है, एक से ज्यादा टू थ्री इनको डिटेक्ट नहीं कर सकती। एक एक्स्ट्रा बिट जो कि ओरिजिनल डाटा के साथ हम भेजते हैं, और वो जो बिट होती है वो ये शो करती है कि जो हमारा डाटा है उसमें टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं। टू टाइप की होती है, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। इसमें हम यही देखेंगे। ट्रांसमीटर किस हमारे रिसीवर को कोई भी पर्टिकुलर डाटा सेंड करता है, कोई भी पर्टिकुलर डाटा, और रिसीवर को ये बताता है कि जो पैरिटी है वो इवन है या ओड है। उसके अकॉर्डिंग पैरिटी के अंदर डाटा को चेक करती है कि डाटा में कोई नॉइस या एरर तो नहीं है। ये दो तरह की होती है, जैसे मैंने बताया था इवन और ओड। ट्रांसमीटर पहले ही रिसीवर को बताता है कि वो जो डाटा भेज रहा है वो इवन में है या ओड में है। फोर बिट डाटा अगर ट्रांसमीटर ने रिसीवर को सेंड किया है, हम एग्जाम्पल लेते हैं इवन पैरिटी का। फर्स्ट टाइप ऑफ पैरिटी इवन पैरिटी, इसका एग्जाम्पल लेंगे। ट्रांसमीटर ने रिसीवर को सेंड किया है 0 0 1 0, ठीक है ना? हम इवन पैरिटी कर रहे हैं तो मतलब क्या है कि जो हमारा डाटा है उसमें टोटल नंबर ऑफ वंस जो कि ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ वंस इवन होंगे। तो ये तो ओड है, ओड नंबर ऑफ वंस से सिर्फ एक ही वन है, तो इसके साथ एक पैरिटी बिट सेंड करते हैं। फोर बिट डाटा के साथ एक पैरिटी एक्स्ट्रा बिट सेंड करते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा बिट होती है वो होती है पैरिटी बिट। ये है ओरिजिनल सिग्नल जो कि सेंड किया है। इसके साथ एक वन सेंड करेंगे, वन पैरिटी बिट, यानी वन है हमारी पैरिटी बिट। वन क्यों है? क्योंकि इवन पैरिटी है, नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए, ठीक है ना? यानी ये एक वन ये हो गया, एक वन ये हो गया, तो नंबर ऑफ वंस इवन हो गए इसको मिलाकर, और ये जो बिट होती है ये होगी हमारी पैरिटी बिट। ट्रांसमीटर रिसीवर को बताएगा कि उसने इवन में इवन डाटा इवन पैरिटी से डाटा सेंड किया है, यानी ओरिजिनल सिग्नल ओड है और एक एक्स्ट्रा पैरिटी पैरिटी बिट में वन लगा के सेंड किया है जिससे वो इवन हो गया। ये है इवन पैरिटी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये है हमारा ओरिजिनल डाटा, ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ट्रांसमीटर ने रिसीवर को सेंड किया है 0 1 1 0। ये है हमारा ओरिजिनल सिग्नल, यानी कि इसमें इवन नंबर ऑफ वंस है, 1 1 2 1 इवन नंबर ऑफ वंस है, और इवन पैरिटी में इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। तो इस टाइम पे पैरिटी बिट क्या होगी? जीरो होगी, यानी कि इवन नंबर ऑफ वंस है। इसमें ओड नंबर ऑफ वंस है तो वन ऐड कर दिया था ताकि इवन नंबर ऑफ वंस हो जाए, इसमें इवन नंबर ऑफ वंस है तो जीरो भेजेंगे ताकि, क्योंकि इवन नंबर वंस ऑलरेडी है। तो ये जो बिट होगी ये शो करेगी हमारी पैरिटी बिट को। ये होती है हमारी पैरिटी बिट, ये हमारी इवन पैरिटी है। अब हम देखते हैं ओड पैरिटी को। ओड पैरिटी सेम यही एग्जांपल लेके करेंगे ओड पैरिटी को। पहले हमने इवन पैरिटी के लिए किया था, इवन इसको इवन बनाने के लिए, ओड को इवन बनाने के लिए वन लगा दिया था। अब हम करेंगे ओड पैरिटी, यानी नंबर ऑफ वंस ओड होने चाहिए। हमारा ओरिजिनल डाटा है 0 0 1 0, नंबर ऑफ वंस कितने हैं? वन है, यानी ओड है। ये ओरिजिनल डाटा है नंबर, और हमने क्या सेंड करनी है? ओड पैरिटी। तो अगर ये ओड है और इसके अगर अगर हमने पैरिटी बिट वन लगा दी तो ये इवन हो जाएगी, इसलिए इस पे जीरो लगाएंगे ताकि ये ओड रहे। ट्रांसमीटर रिसीवर को बता देगा कि ओड पैरिटी में डाटा सेंड हो रहा है, और ये शो करेगी पैरिटी बिट।
सेम एक और एग्जांपल सेम इसी का ही लेते हैं ओड पैरिटी में, 0110 0110। अब ये देखिए ये इवन है, इसको ओड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैरिटी बिट जो होगी उसे वन भेजना पड़ेगा, पैरिटी बिट को वन करना पड़ेगा, जिससे टोटल नंबर ऑफ वंस 3 हो जाएंगे, यानी ओड नंबर ऑफ वंस हो जाएंगे, और ये शो करेगी हमारी पैरिटी बिट। इस तरह से हम इवन पैरिटी और ओड पैरिटी में डाटा को सेंड करते हैं, और यही हमारी होती है पैरिटी। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम हैमिंग कोड्स करेंगे कि हैमिंग कोड की डिटेक्शन और करेक्शन कैसे होती है। इस इवन और ओड पैरिटी में अगर बाय चांस हमारी जो एक बिट यानी ट्रांसमीटर ने रिसीवर को कोई डाटा ट्रांसमिट किया है उसमें नॉइस आ जाती है, यानी एक बिट का डिफरेंस आ जाता है, अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो यहां से चला जाए और यहाँ पे आ जाए वन, तो मतलब क्या है, ये जो वन आया है ट्रांसमीटर ने सेंड किया था 0010 लेकिन रिसीवर के पास आया है 0110, तो ये जो वन होता है ये नॉइस को शो करता है कि यहाँ पे नॉइस है, यानी ये पैरिटी बिट डिसाइड करेगी। कैसे वो देखते हैं, इवन पैरिटी में नंबर ऑफ वन इवन होने चाहिए, अगर पैरिटी बिट वन है इसका मतलब कि ओरिजिनल नंबर है वो ओड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए, क्योंकि इसको मिला के वो इवन बने हैं। अब देखें हम रिसीवर ने जो डाटा रिसीव किया है वो है 01101, तो नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, ओड नंबर ऑफ वंस ओड है 3 है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें ये जो डाटा ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया है रिसीवर को उसमें कहीं ना कहीं कहीं किसी बिट का डिफरेंस है, यानी कि नॉइज क्रिएट है, एरर है, तो ये हमारे पैरिटी शो करती है, यानी पैरिटी बिट का एरर को डिटेक्ट करने का काम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।